मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माई नेम इज़ मोहम्मद इम्तियाज़ एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग हेयर टू गिव अ स्पीच ऑन द टॉपिक ऑफ एजुकेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग माई टॉपिक आई वुड लाइक टू थैंक्स माई ऑनरेबल विपिन सर एंड मैम हु हैज़ गिवन मी अ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, एज वेल एज आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल लेडीज़ एंड जेंटलमैन बिकॉज यू आर गोइंग टू लिसन एंड अप्रिशिएट मी। शैल आई स्टार्ट माई टॉपिक? एज वी नो द एजुकेशन एजुकेशन इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट एजुकेशन। एजुकेशन इज़ फॉरमोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर मी, फॉर यू एंड फॉर एवरी वन। इफ़ वी डोंट हैव एजुकेशन वी विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज टू गेट अ गुड जॉब, वी विल नॉट गेट गुड थिंग्स फॉर आवर फैमिली एंड वी कैन नॉट सर्वाइव। अर्लियर एज वी कैन सी देर आर मैनी पीपल हु आर नॉट दे डिड नॉट गेट एजुकेशन, दे वर्क इन फार्म लैंड, दे वर्क डिफरेंट प्लेसेज एंड दे डू हार्ड वर्क ईच एंड एवरी डे एंड दे गेट वेरी लेस अमाउंट फॉर दैट। बट इफ़ समबडी इज गेट हु हैज गॉट गुड एजुकेशन, दोज पीपल आर डूइंग वाइट कॉलर जॉब्स इन द सोसाइटी, दे आर गुड इंटेलेक्चुअल पीपल एंड दे हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड दे आर लीडिंग द सोसाइटी नाउअडेज। सो एजुकेशन इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज दिस, वी कैन बिल्ड अवर पर्सनैलिटी, वी कैन इंक्रीज अवर क्रिटिकल थिंकिंग एंड वी ऑल्सो कैन इंक्रीज ईच एंड एवरी थिंग, वी कैन डिवलप अवर सेल्फ्स वैन वी गेट एजुकेशन। एंड देर आर मैनी स्कीम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक सब पढ़ें सब बढ़ें स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम एंड देर आर मैनी मोर स्कीम्स एंड देर इज़ अ लॉ फॉर द एजुकेशन फॉर गेटिंग एजुकेशन, इट इज़ राइट टू एजुकेशन। सो इफ़ यू टॉक अबाउट वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एवरी वन, बिकॉज एवरी वन शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी थिंग, बिकॉज इन द वर्ल्ड इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक चाइना, USA, Russia and so on, they are very good in education. But we also doing good because we can see if the person who is getting education who can share their thought in a good manner, like we can see the Dr. Bhimrao Ambedkar, we can see Dr. APJ Abdul Kalam who has got good amount of education. Those people were leading the society at that time. So if we are getting education we can grow ourselves. Like if somebody is living in slums and he is not getting education, he might be goes for the taking scrap and he will sell it. But if he or she can get education, she can become rich, she can get good amount of opportunities, like he or she can become actor, athlete and whatever he or she wants they can become. All right, and there is a very good quote for the education. Once Nelson Mandela said, you might have heard about it. The quote is, the education is most powerful weapon on the earth and we can change our society while we have education. So this is my opinion about education. I hope you all get good amount of knowledge how education is important nowadays. So thank you so much for listening me, all of you. Thanks a lot. पृथ्वी पर बढ़ती आबादी का बोझ ना डालो, इसके परिणामों से बच जाओगे यह वहम ना पालो। Good morning ladies and gentlemen. My name is Tushika Bhattacharya. Today I am going to tell you about population. But before started, I would like to thanks Honorable Vipin sir and ma'am who has given me a chance to speak in front of you all, as well as I would like to thanks you all that you will gonna appreciate me. Should I start? Sure. Population, in this days population is a very crucial problem we are surviving. Or we are called it by poverty or employment, because
एंड देयर इज़ अ रीज़न ऑफ एजुकेशन टू, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन इज़ द रीज़न ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज पीपल डोंट नो वॉट इज़ द राइट थिंग वी वॉट एंड फॉर दिस रीज़न गवर्नमेंट हैव टू टेक आउट द स्कीम्स ऑफ दिस लाइक लिमिटेड चिल्ड्रंस एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन द पीपल आर गेटिंग इन वेरी प्रॉब्लम लाइक देर इज़ अ लैक ऑफ फूड बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी टू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड पीपल्स कांट सर्वाइव एंड इट क्रिएट्स डिजीजेस टू देम बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ गुड डाइट. So I think government should take actions for this. Thank you so much.